दोस्तों, आपने आज तक हॉरर मूवीज तो बहुत देखी होगी जो रियल स्टोरी के बेस पर आधार होती है। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जिस मूवी को देखने के बाद 100 लोगों की मौत हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चलिए जानते हैं उसे मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम था एंट्रम। और हैरानी की बात यह है कि यह मूवी कैसे बनी, किसने बनाई, आज तक किसी को नहीं पता चला। 1979 में फिल्म फर्स्ट में यह मूवी दिखाने लगे और जैसे ही लोगों ने वह मूवी देखी तब वहां के लोग और स्टाफ मेंबर सभी मर गए और लोगों को कुछ नहीं समझ में आया। फिर इस मूवी को वहां पर कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। फिर 1988 में फिर से यह मूवी बड़े पर्दे पर दिखाई गई और जब यह मूवी थिएटर में चल रही थी तभी थिएटर में आग लग जाती है और वहां पर 26 लोग मर गए। और हैरान करने की बात यह कि आग लगने के बावजूद भी ये मूवी की रील बच गई। और चौंकाने की बात यह हुई कि अक्सर आग स्क्रीन के पीछे लगती है पर यह थिएटर में लगी थी। फिर ये मूवी को वापस बंद कर दिया गया और फिर से 1993 में ये मूवी को दिखाया गया। और इस बार हुआ ये कि जो भी इस मूवी को देखने आया था उन सबको अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी और भूत प्रेत जैसी चीज दिखने लगी और थिएटर के दरवाजे बंद होने के कारण उन सब की वहां पर मौत हो जाती है। क्या दोस्तों आप भी ये मूवी देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना।